Hello, my dear friends. A very good morning to all of you. Welcome back to the channel Online Shikshan. मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ. दोस्तों, बिल्कुल आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी होगी कि आपका सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपकी परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित कराई जाएगी. तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और दिसंबर से जनवरी तक आपका जो है वो शिफ्ट चलेगी आपके सीटेट 2022 एग्जाम की, जैसा कि लास्ट ईयर आपका हुआ था. ठीक है, तो आप सभी अब अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए. और दोस्तों, अभी तक जितनी आपको मैंने क्लासेस करवाई है उनको एक बार फटाफट से आपको रिवाइज भी कर लेना है, जितना भी अभी तक मैं आपको करा चुकी हूँ, ताकि आपको वो सारी चीज़ें एक बार फिर से मेमोराइज हो जाए अगर आप कुछ भी उसमें से भूल चुके हैं. ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को दोस्तों आज आगे बढ़ाएंगे और आज आपको ये क्लास ऐसे ही मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि दीपावली की इस शुभ अवसर पर मैं जो है अपना जहाँ से मैं आपकी लाइव क्लासेस लेती थी वहाँ से अब मैं वापस घर आ चुकी हूँ कुछ समय के लिए, जब तक त्योहारों का टाइम है. लेकिन मैं आपकी क्लासेस को ऑफ नहीं करूँगी, मैं यहीं से आपकी क्लासेस रेगुलर उसी अंदाज में, उससे भी अच्छे अंदाज में यहीं से लिया करूँगी. ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गई यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात. कल हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वह था शेल्टर यानी आवास. तो जहाँ तक हमने कल कर लिया था इस मेन थीम के बारे में, उसी से आगे आज के इस टॉपिक को चलिए बढ़ाते हैं. सो गाइस, कल तक हमने, कल वाली क्लास में हम पढ़ चुके थे कश्मीर के बारे में, लद्दाख के घरों के बारे में. आज हम शुरुआत करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स की. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों पोचमपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है. तो हम यहाँ के बारे में अब जो है एक एक करके जानना शुरू करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपसे कई बार पूछा जाता है कि पोचमपल्ली जिला जो है वो कहाँ पड़ता है ना. तो आप बताएंगे कि पोचमपल्ली जिला है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का. आंध्र प्रदेश में जिला है एक, किस नाम से, पोचमपल्ली के नाम से. ठीक है, इस जिले के अधिकतर लोग जो है वो कैसे है, बुनकर का कार्य करते हैं. ठीक है, बुनाई करने का, अतः इस बुनाई के को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है. आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में जो बुनकर कार्य करते हैं बुनाई का, है ना, इसको हम कलमकारी या पोचमपल्ली बुनाई के नाम से जानते हैं. आगे बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं आंध्र प्रदेश में जो आपको साथ के साथ याद रखनी है. तो उनमें शामिल है मुख्तारपुर गांव. मुख्तारपुर गांव कहाँ स्थित है, इस तरह के सवालात आपसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं. तो आप बताएंगे कि मुख्तारपुर कहाँ स्थित है, आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है मुख्तारपुर. ठीक है, आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है. इस कैंप के द्वारा कम उम्र की जो शादीशुदा लड़कियां होती है उनको दोबारा से स्कूल के साथ जोड़ने का कार्य या उनको स्कूल में भेजने का कार्य ये कैंप करता है, यहाँ पर जो कैंप लगाया जाता है. इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है. आप याद रखेंगे कि तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. क्या आपको इतना क्लियर हुआ जितना मैंने आपको कंफर्म किया. देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है पोचमपल्ली कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में. मुख्तारपुर नामक गांव भी आंध्र प्रदेश में है ना, और यहाँ पर जो है तेलुगु भाषा बोली जाती है. आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा यहाँ पर हम बात करेंगे, इतना तो हो गया. देखो, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए आंध्र प्रदेश के बारे में. अब हम चलते हैं महाराष्ट्र, मुंबई जिसका सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें. जैसे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है. अब मुंबई से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है. देखो, आपसे कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए किन किन राज्यों से गुजरना पड़ता है या किन किन राज्यों को पार करना पड़ता है ना. तो इस चीज़ को ध्यान में आपको बहुत अच्छे से रखना है कि भाई जब हम दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या पड़ता है. गुजरात पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, और इनको पार करते हुए
कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। महाराष्ट्र से दिल्ली जाने के लिए हमें इन सब रास्तों को पार करना पड़ता है, या फिर हमारे रास्ते में ये सभी आते हैं। देखो यहाँ पर आपको मैप के थ्रू भी देखने को पता चलेगा, यहाँ पर मुंबई स्थित है ना, और जाना कहाँ है? दिल्ली जाना है, तो कौन से रास्ते से होते हुए आप जाएंगे? तो यहाँ पर इसके उत्तर दिशा में क्या पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा आपका गुजरात। उसके बाद यहाँ पर क्या है? राजस्थान है, और राजस्थान के इधर जाते हुए ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये आंसर करो कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ मुंबई के सापेक्ष दिल्ली की स्थिति क्या है, दिल्ली कौन सी दिशा में है, तो जल्दी से कमेंट करो, पूरे डिटेल में लिखना कि मुंबई के सापेक्ष दिल्ली की कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व है, पूर्व पश्चिम है, या उत्तर दक्षिण है, क्या है, और दिल्ली के सापेक्ष मुंबई की क्या है। तो दोनों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए, तो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट ले लूंगी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली से मुंबई जाने का जो ये रास्ता है ये कितना दूरी पर है? तो इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर जो है दूर स्थित है दिल्ली से मुंबई, ये बात भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कि विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि पहली बार जब ट्रेन चली थी अंग्रेजों के समय में, तो वो कहाँ पर चलाई गई थी? तो दोस्तों वो मुंबई से ठाणे तक पहली जो रेलगाड़ी थी वो यहीं पर चली थी, और कब चली थी ये भी कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है कि कब चली थी पहली रेलगाड़ी, तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी, वो भी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। अच्छा, कोई ये भी कमेंट करके बताओ, हालांकि कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो मैं अब पूछने वाली हूं, कि किसके शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है, कौन सा अंग्रेजी यहां पर अधिकारी था जिसके शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी? अब देखो दोस्तों ये डेट तो ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, पेपर में ये भी पूछा जाता है कि नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल जो है टीम जो है वो कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, बास्केटबॉल टीम है कौन कौन सी? अफसाना मंसूरी और नागपाड़ा स्टेशन भी यहाँ पर है। ठीक है, मुंबई में। इसके अलावा सोलापुर घास का मैदान है वैसे तो ये, एक ये भी मुंबई में स्थित है ना। बाजार गांव ये भी महाराष्ट्र मुंबई में है। कफ परेड ये भी मुंबई में है। और इसके अलावा बच्चू खान प्लेग्राउंड ये भी कहाँ है? मुंबई में है। और यहाँ के जो कोच है उनका नाम क्या था? मुस्तफा खान था, जिनके नाम पर इस प्लेग्राउंड का नाम बच्चू खान रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ जगह है, जगह के नाम है जो कि पेपर में सीधे सीधे आ जाते हैं कि सोलापुर कहाँ स्थित है ना, बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ स्थित है ना, उसके कोच का नाम क्या है? मुस्तफा खान है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में ही, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। नोट डाल करके लिखिए कि भाई महाराष्ट्र में बनती है सहजन के फूलों के पकौड़े, या सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है? मुंबई महाराष्ट्र में बनती है, मुंबई में खाए जाते हैं, या महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। आप देख पाएंगे एक बार आपके प्रीवियस पेपर जब मैं आपको सोल्व करा रही थी, तो आप में से किसी बच्चे ने पूछा था कि सहजन के फूल कैसे होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये सहजन के फूल है ना, तो ये फूल है और इन फूलों से बनाई जाती है सब्जियां और पकोड़े कहाँ? महाराष्ट्र में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र का एक और बहुत ही दमदार क्वेश्चन महाराष्ट्र के टॉपिक से यहाँ पर बनता है, और वो है वर्ली पेंटिंग से संबंधित। अब ये वर्ली पेंटिंग क्या है ना, ये कैसे महाराष्ट्र से संबंधित है, इसमें ऐसा क्या खास है जो एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछा जाता है? तो देखो दोस्तों, ये जो वर्ली पेंटिंग है ये पहले तो खास करके दीवारों पर, मकान की दीवारों पर बनाई जाती थी। आपको दिखा भी देती हूँ, ये आप देख पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या बनाया जाता है? इसमें यहाँ के लोग अपनी दिनचर्या को ही शामिल कर लेते हैं। ठीक है, जानवर बना देंगे, इंसान बना देंगे, कोई डांस करता हुआ, कोई नाचता हुआ, कोई गाता हुआ, कोई बजाता हुआ, है ना,
बिल्कुल, तो अब जीव जंतु और इंसानों को इसी तरह से ये पूरी जीवंत कथा के रूप में ये इस पर उकेर देते हैं अपनी कला को। ठीक है, तो यहाँ पर इस पेंटिंग को बहुत ज़्यादा फेमस है ये महाराष्ट्र की, इसका नाम है वर्ली पेंटिंग। और यहाँ की जो ये वर्ली पेंटिंग है ये एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलती है, यानी महाराष्ट्र जिस तरफ से गुजरात से सीमा साझा करता है उस तरफ ये और भी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद अगर हम बात करें इसी पेंटिंग के बारे में, तो दोस्तों वर्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति जिसका नाम है वर्ली, वर्ली जनजाति द्वारा ही बनाई जाती है, इसके लिए इसलिए ही इसका नाम वर्ली पेंटिंग या वर्ली चित्रकला रखा गया। और यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को भी प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः ये क्या दिखाते हैं कि फसलों के बारे में, है ना, ऋतुओं के बारे में, शादी ब्याह उत्सव जन्म, है ना, धार्मिकता, इन सभी को इसमें दर्शाया जाता है। वर्ली चित्रकला में चित्र को सजाने के लिए जिन रंगों का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। अपने घर में अगर सफ़ेद रंग करना है तो चावल या आटे का प्रयोग कर लेंगे, है ना, नीला रंग करना है तो नील का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग, फूलों का प्रयोग, इस तरीके से ये इन सब को प्रयोग करते हैं इस वर्ली चित्रकला को सजाने के लिए। ठीक है, गोंद और जल के मिश्रण का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। ये हो गए यहाँ पर वर्ली पेंटिंग के बारे में। तो वर्ली पेंटिंग आपसे बहुत बार पूछी जा चुकी है कि भाई कहाँ की है, कहाँ ज़्यादा फेमस है। ठीक, इतनी चीज़ें कवर हो गई, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि असम के घर के बारे में आपको दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि असम के घर की क्या विशेषता है, है ना, वो दिखने में कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, असम के घर कैसे होते हैं। बात करते हैं असम में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, आप लोग इस बात को जानते होंगे, है ना, न्यूज़ में हमेशा दिखाया जाता है कि असम में बाढ़ आ गई है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होने के कारण ही यहाँ के घर जो है वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। अब ऊंचाई पर कैसे बनाएंगे ये, तो ये बांस का सहारा लेते हैं अपने घर को, जो ज़मीन है उसे 10 से 12 फीट ऊंचाई पर ले जाने के लिए। जैसे कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं यहाँ नीचे क्या लगे हुए हैं, बांस लगाए गए हैं ताकि अगर बाढ़ आए भी, बारिश का पानी ज़्यादा आए भी, तो इनको रहने सहने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, बिल्कुल इनके घर में पानी ना जाए, इसलिए ये यहाँ पर क्या करेंगे, मजबूत बांस का इस्तेमाल करते हैं और इन खंभों पर ही, बांस के खंभों पर ही अपना ये घर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं और बाहर से आप देखेंगे तो भी ये घर लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक बच्चा है वो ऐसे स्थान से आता है जहाँ पर उनके घर 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊंचाई पर उनके घर बनते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बच्चा कहाँ से संबंधित है, वो असम से संबंधित है। ठीक है, असम राज्य से वो संबंधित है। इतना क्लियर हो गया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के घर या हिमाचल में जो घर बनाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ कैसे घर बनेंगे इसके बारे में भी चलिए एक बार देख लेंगे। तो बात कर रहे हैं हिमाचल या मनाली के घर, कुछ भी पूछे बात एक ही है क्योंकि मनाली भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, आप लोग गए हैं कभी मनाली घूमने, बताइए एक बार कमेंट सेशन में। दोस्तों मनाली कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फ़ जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहाँ के लोग जो है वो पत्थर या लकड़ी से बने हुए मकानों में रहते हैं। ठीक है, यानी पत्थर और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल करके इन घरों को बनाया जाता है, मनाली वाले घरों को। ठीक, अब बात करते हैं, देखो इसके बारे में इतना ही जानना था, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर पूछे कि भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और पत्थर और लकड़ी से बने हुए घरों में ये रहते हैं, है ना, तो ये मनाली के बारे में बात हो रही है, समझ लेना। अब बहुत इम्पोर्टेंट आता है आपका नेक्स्ट शेल्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह है राजस्थान के घर। अब राजस्थान के घर की अगर बात करें दोस्तों, देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर सूखा पड़ता है, यानी बारिश बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ के लोग क्या करेंगे, मिट्टी के घर बनाएंगे। ठीक है, मिट्टी जो ठंडा लगता है मिट्टी को अंदर से, है ना, तो मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें ये बना देंगे अपने घर की और इन दीवारों पर क्या कर देंगे, बाहर से भी मिट्टी का लेप कर देंगे और उसको सुंदर
पोत कर उसको सुंदर बना देते हैं। इसके अलावा ये अपनी दीवारों को सजाने के लिए लाल मिट्टी और गोबर का प्रयोग भी करते हैं, है ना। गोबर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उसमें क्या ना हो, कीड़े मकोड़े छेद ना कर ले, अपना घर उसमें ना बना ले। आपने देखा होगा चींटी और जो है मकोड़े होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि भाई कच्ची मिट्टी होती है तो उसी में अपना छेद करके अपना घर बना लेते हैं। तो उनसे कीटों से बचने के लिए क्या करेंगे, इस पर गोबर का लेप लगा देते हैं या लाल मिट्टी को मिला करके इसको सुंदर सजा भी देते हैं, ठीक है, उसकी लिपाई कर देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और मुख्य बात है इन घरों की, वो ये है कि ये अपने घर की छतों को ऐसे कटीली झाड़ियों से सजा देते हैं, ठीक है, ऐसे छत्ते की तरह कटीली झाड़ियों को ऊपर से ढक देते हैं ताकि गर्मी जो है वो अंदर तक ना जाए। तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? एक बार दोस्तों लाइक करके फीडबैक दो, फटाफट से थम्स अप करके अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें, तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे दोस्तों इग्लू। इग्लू घर कहाँ बनाए जाते हैं, कौन से जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं और इनको इस तरीके से क्यों बनाया जाता है? देखो दोस्तों, जो इग्लू घर होते हैं इनको इग्लू इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बर्फ के बने हुए घर है, है ना। बर्फ के घर बने हुए घरों को इग्लू कहा जाता है। आप कहेंगे कि ठंड से बचने के लिए बर्फ के ही घर बना के उसमें रहोगे तो और ज्यादा ठंड लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? अभी देखियो दोस्तों, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, यहाँ पर रहती है एक जनजाति जिसका नाम है एस्किमो जनजाति। अभी एस्किमो जनजाति इसीलिए फेमस है क्योंकि इग्लू घर बना करके रहती है, ठीक है। तो ये लोग मुख्यतः इस घर को बनाते हैं इग्लू को। इनकी छत गुंबदाकार होती है, ऐसे गोलाई वाली होती है और इनकी जो दीवारें होती है वो दोहरी बनाई जाती है, ठीक है। छत और दीवारें पूरा ही घर ये क्या करता है, दोहरी परत का बनाता है ताकि घरों की अंदर की ऊष्मा बाहर न निकल पाए इसलिए। और दोस्तों आपने देखा होगा कि इसका जो दरवाजा है ये बहुत छोटा सा है, वो इसलिए होता है कि बर्फीले तूफान जब चलते हैं तो अंदर जो है ठंडी ठंडी हवा ना जाए, है ना, इसीलिए ये छोटा इसका मूसा बना के ऐसे रखते हैं। तो ये हो गई एस्किमो जनजाति जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है और ये अपने घर को क्या कहती है, किस नाम से जानती है, तो ये कहती है इग्लू, ठीक है। देखो यहाँ बताया भी गया है कि दरवाजे बहुत छोटे बनाए जाते हैं ताकि ये आंधी से सुरक्षित रह सके, है ना, इसलिए ये बहुत छोटे दरवाजे यहाँ पर अपने बनाते हैं। तो ये तो था दोस्तों आपका शेल्टर वाला टॉपिक। आपके शेल्टर के जितने भी टॉपिक्स थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। कल हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट थीम की आपके, जिसका नाम है जल। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको जो है अगर क्वेश्चन आंसर, देखो यहाँ पर मैं आपके पीडीएफ्स वगैरह जो है मेरे पास सारे के सारे नहीं है क्योंकि मैं घर पे आ चुकी हूँ, है ना, और घर में मैं आपकी इसी तरीके से क्लासेस लूंगी दो चार दिन जब तक यहाँ हूँ, जब तक त्यौहार है, ठीक है। फिर जल्दी ही वापस लौटूंगी आपके डिजिटल बोर्ड के साथ, बहुत ही परफेक्ट तरीके साथ के साथ आपको सिखाने के लिए। लेकिन उसके बीच भी मैं आपको जो है फ्री नहीं छोड़ूंगी, क्लास आपकी लेती रहूंगी ताकि आपकी तैयारी में कोई भी जो है हम कह सके कि कोई भी कमी ना रह जाए। तो आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई परेशानी तो नहीं है ऐसे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, बेझिझक, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे कल वाली क्लास में, सॉरी शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।